Some the next chapter is forces and NLM. NLM मतलब Newton's law of motion. अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करता है, कि अगर एक ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी रख रहा है, इतने टाइम में अगर इतनी एक्सेलरेशन रख रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या फिर कितनी एक्सेलरेशन है, या फिर कितनी इनिशियल वेलोसिटी, कितनी फाइनल वेलोसिटी, ये सब चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट की. प्राइमरली हम लोगों ने मोशन के बारे में सीखा कि मोशन कैसे चलता है. अब हम लोग देखने वाले हैं रीजन बिहाइंड दैट मोशन. ठीक है, मतलब मैंने अगर आप लोगों को आप दरवाजे के बाहर खड़े हो, मैं दरवाजे के अंदर से धक्का मार दिया, तो बाहर वाले आदमी को कुछ नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ बंदा गिरता हुआ दिखेगा, कितनी स्पीड से आया, कितनी देर में मुंह के बल नीचे गिरा, बट उसको ये नहीं पता कि पीछे धक्का किसने मारा है. वो धक्का इज द कॉज ऑफ द मोशन. ठीक है, और अब हमारा ये चैप्टर और कुछ नहीं बल्कि इसी कॉज के बारे में बात करेगा. तो सबसे पहली चीज आती है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म फोर्स. क्या है भैया एकदम बेसिक क्वेश्चन, क्या होता है फोर्स? क्वेश्चन पुल. क्या होता? शाबाश, थैंक यू. सो अ पुश और अ पुल, फोर्स ही लगाना है. फोर्स मतलब पुश या पुल करना, धक्का मारना या खींचना. ठीक है, किसी भी तरीके से करोगे. एक अगर ग्राउंड पे हम लोग कहीं पर भी फोर्स की बात करेंगे, तो हम लोग क्या बात करते हैं, हम बोलेंगे भैया ये रहा डब्बा, ये रहा मास एम, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हो गया और इसको धक्का मार रहा है. ये क्या है? पुश कर रहा है. पुश करेगा तो धक्का आगे की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा. वही एक दूसरा आदमी, फिर से ही मास एम है ब्लॉक का, और इसको यहां से रस्सी बांध ले, ये रस्सी को खींच रहा है. ये क्या आ गया? ये पुल इसके लिए खिला रहा है ना. दरवाजों पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है, कई जगह पे लिखा होता है पुश या पुल, हमें समझ ही नहीं आता, हम भूल जाते हैं. इंग्लिश थोड़ी खराब है ना, तो पुश या पुल, इसीलिए आजकल शीशों पे उन्होंने सिंबल बनाने लग गए हैं, धक्का मारो, खींचो, ये जो मैं बना रहा हूँ वही बना देते हैं. ठीक है, सो अ पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स. ठीक है, तुम अगर तुम मेरे क्लास में किसी मुझे परेशान होगे और मुझे धक्का मारोगे, वो गया पुश, या फिर मेरी क्लास में परेशान होगा तुमने कहा किसको मारते हैं, तुम्हें तो खींचो मारो मारो, सो पुल. सो पुश और पुल दोनों चीजें समझ आ गई. ठीक है, अब जब फोर्स की बात आती है तब आते हैं हमारे बहुत ही आदरणीय लोग आने वाले हैं. अब ये आ जाएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसी को मैं अलग शॉर्टकट में लिख रहा हूं NLM. ठीक है, मैं क्या बोलता हूं NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो आदरणीय क्यों है? आदरणीय इसलिए क्योंकि इन्हीं के वजह से हम लोग फिजिक्स को थोड़ा बहुत समझ पाए हैं. ही इज द फादर ऑफ फिजिक्स समवेयर, क्योंकि फाउंडेशन जो इन्होंने डाली है. तो बस अगर तुम्हें कभी फिजिक्स में बहुत ज्यादा गुस्सा है आगे फ्यूचर में और तुम गालियां निकालना चाहते हो, यू हैव गॉट अ पर्सन. ठीक है, मेरे को मत निकालना, न्यूटन को निकालना. जो किया न्यूटन ने किया, मैं तो पढ़ा रहा हूँ बस उसने जो बताया. और मैं बहुत आदर करता हूँ क्योंकि मेरे घर में खाना इसकी वजह से आ रहा है. न्यूटन भैया जाओ, मैं भगवान के साथ न्यूटन की होटल लगा के रखता हूँ. ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज आने वाले 2 सालों तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे. जब आपको याद आए, आप भूल जाओ कि न्यूटन को थोड़ा बहुत, ये फुदक के बाहर निकलेंगे. रुको, मेरे को बात, आई नो, मैंने अपनी किताब में लिखा था, ही स्टार्ट कमिंग अप. ठीक है, जब तुम क्लासिकल मैकेनिक खत्म कर दोगे, तुम थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे, तुम्हें लगेगा ओ गया न्यूटन, फिर एकदम से आएगा, आई नो मैं आ रहा हूँ, हर दिन आएगा. तुम जो पढ़ोगे ही विल बी एवरीवेयर. ठीक है, तो न्यूटन भैया आपको अपनी याद 2 साल में बहुत बार कराएंगे. तो न्यूटन भैया क्या बोले? न्यूटन भैया बोलते हैं हमारे पास है 3 लॉ. पहला, which is first law of motion. हाँ जी, कोई बंधु मेरे को इसमें हेल्प करना चाहते हो तो बता दे. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है दोस्तों? An object at rest will be at rest and
object in motion will be in motion until and unless an external force acts on it. वाह दोस्तों, ये हमारे को रटाया हुई चीजें लाइफ में, ठीक है, नाइन्थ में इतनी बार पढ़ाया हमें, खुद याद हो गया. इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, और एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. और कितनी कॉमन सेंस वाली बात है, एक ऑब्जेक्ट अपना तो हिलने नहीं लग जाएगा जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, और एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो कभी भी नहीं रुकेगा अगर फ्रिक्शन निकाल लें. ठीक है, so an object in motion will remain in motion and an object in rest will remain at rest until or unless an external force is applied on it. So इसको लिख देते हैं. A body at rest will remain at rest and a body in motion, और लिख देते हैं and लिख, or a body in motion will remain in motion. Oh, sorry. Until or unless. Until or unless an external force is applied on it. क्या आसान चीज है ना, एक ऑब्जेक्ट अपने उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहता है जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएं. न्यूटन से पहले इसी लॉ को गैलीलियो ने भी अपने हिसाब से समझाया था, ठीक है, and he called it as law of inertia. ठीक है, first law of motion को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बताते हैं. लॉ ऑफ इनर्शिया भी बुलाते हैं. इसमें यार इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, कोई बता सकता, किसी ने कॉन्ट्रीब्यूट करना तो बताओ यार, क्लास में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता भी इनर्शिया क्या होता है. अगर मैं किताबी आंसर दूं तो वो कहता है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द ऑब्जेक्ट विल स्टे इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नोन एज इनर्शिया. लेकिन ये आज तक मुझे नहीं याद है, मैंने भी नाइन्थ में सीखा था, ठीक है, ये सेम, क्योंकि मेरे को कम से कम इंजीनियरिंग करने तक तो मेरे को इसका मतलब नहीं पता था कि वर्च्यू क्या होता है. द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, सच बता रहा हूं मैंने ऐसे रट्टा मारा था मैंने ये. In its state of motion. तो कौन है जो उसको उसके मोशन में उसी स्टेट ऑफ रेस्ट में आने देता है? हर आदमी का अपना एक मास. तो इनर्शिया का मतलब ही ये है, मास, मेरा खुद का मास है जो कि मुझे उसी स्टेट ऑफ रेस्ट में आने देता है. ये ग्लास अभी मैं अपने हाथ से रख लूंगा, ये यहीं पे रहेगा. क्यों यहीं पे रहेगा? क्योंकि उसका खुद का कुछ मास है, मास भी अंदर निकलने लगता हवा में, है ना? लेकिन क्योंकि उसका कुछ मास है तो भाई वो अपने उस मोशन को मेंटेन करेगा. वो तब तक ग्लास नहीं हिलेगा जब तक मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता, ठीक है. हमने हाथ में पकड़ लिया, मैंने कुछ भी पकड़ लिया, धक्का नहीं मारूंगा तब तक ये मूव नहीं करेगा. तो ये इसका इनर्शिया क्या है जो उसको उसकी रेस्ट में रखता है या उसके मोशन में रखता है? वो है इसका खुद का कुछ मास, ठीक है. तो ये इनर्शिया, फिर उसको हम लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में और भी फनी फनी बातें की थी इसके ऊपर, है ना, कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है. वो सबको याद होगा कहीं ना कहीं, है ना, कि हम लोग
बस में खड़े हैं, बस एकदम से चल पड़ी, तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों पीछे की तरफ गिर जाते हैं? क्योंकि तुम्हारी लोअर बॉडी आगे निकल लेगी, क्योंकि ग्राउंड के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, अपर बॉडी रिस्पॉन्स लेगी आगे लेके आने में, लेकिन उतने में क्या होगा, अगर लोअर बॉडी ज्यादा आगे निकलगी तो तुम पीछे की तरफ गिर जाओगे। दैट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, तुम चलती बस में खड़े हो और सडनली बस वाले ने ब्रेक मार दिया, तुम्हारी लोअर बॉडी कॉन्टेक्ट में है, वो पीछे रह जाएगी, तुम आगे निकल लोगे, इससे तुम आगे की तरफ गिरते, ठीक है। वही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो इनर्शिया डायरेक्शन, वही लेफ्ट मारो तो तुम ऐसे राइट की तरफ मुड़ रहे हो, राइट मारो तो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हो, है ना। ये बेचारा है, वो बहुत परेशानी वाली चीज होती है, जब एक लड़का बैठ जाता है आगे पीछे लड़की होती है, बहुत मार पड़ सकती है, ध्यान रखने का है ना। एक बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है जब गाड़ी टर्न हो रही है और बाई चांस तुम्हारे कंपेनियन जो तुम्हारे साथ बैठा है वो ऑपोजिट जेंडर का हो, बाय गॉड बड़ा एम्बैरसिंग होता है, क्योंकि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि रोक लो अपने आप को, नहीं जरा नहीं, गाड़ी लेफ्ट मुड़ रही है, मेरे को राइट भेज रहा है, लेकिन फिर बस वो दिक्कत, इनर्शिया इज ऑल द रीजन। एवरीवेयर तुम किसी को कर्स कर सकते हो, तो न्यूटन ही उसने बताया तुम्हें सब कुछ। ओके ठीक है, दैट्स इट। कूलर पाकिस्तान या प्लीज सर आपने वर्चुअल की मीनिंग क्या बताई? ओ यार कोई मई यार तुम बताओ, हद हो गई यार, तुम मेरे से सही में मर चुकी मीनिंग, प्लीज गूगल इट नाउ। यू आई यू डोंट हैड मतलब आई डिडंट हैव गूगल एट दैट टाइम, यू हैव इट, प्लीज फाइंड इट आउट एंड प्लीज डू लेट मी नो आल्सो। कुछ नहीं है, बकवास है, ठीक है पढ़ लेना, गूगल कर। सेकंड बेहतरीन लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करने के टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या है। देखो बिफोर आई स्टेप इनटू सेकंड लॉ ऑफ मोशन I will explain you a term known as momentum. Momentum को हम लोग लिखते हैं letter P से, और ध्यान रखिएगा ये एक vector quantity है। क्या पढ़ रहे हैं? Momentum. Momentum क्या है? Vector quantity है, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा momentum का मतलब कोई बता सकते हैं मेरे को? Ninth standard. Momentum का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। थैंक यू जी, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ये, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। ये पेंसिल को अपने हाथ में रखा और पेंसिल को रोल करा दिया, तो रोल करवाऊंगा तो क्या होगा, पेंसिल का कुछ मास है, ऑब्वियसली है, पेंसिल मूव कर रही है तो कुछ वेलोसिटी कैरी कर रही है, हाँ कैरी कर रही है, तो क्या ये कहना गलत है कि ये पेंसिल एक मोमेंटम कैरी कर रही है? नहीं, सही तो है, ये पेंसिल एक मोमेंटम कैरी कर रही है, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, इज नोन एज मोमेंटम। ध्यान रखेंगे इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम सीक्वेंस, पहले मोमेंटम के बारे में जानते हैं कुछ। मोमेंटम में एक चीज और जो समझने वाली है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस एब्सेंट है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस एब्सेंट है तो मोमेंटम इन द नेचर विल ऑलवेज गेट कंजर्व्ड। I mean, momentum from one object will be transferred to the another object. इसका example देता हूँ मैं, ठीक है। तब से मान लीजिए मैं एक ground level ले लेते हैं, यहाँ पे दो balls रख लेते हैं, एक ball, दो ball, तो एक ball का mass m1 है, दूसरी ball का mass m2 है, ठीक है। Ball m1 is moving ahead with speed let's say u1, ठीक है, speed u1 से move कर रही है, m2 ball भी आगे की तरफ move कर रही है with speed u2, ठीक है। अब obviously बात है u1 का value u2 से बड़ा होगा तभी तो collide करेगा,
दोनों बॉल आगे जा रही है, अगर पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो हिट कर पाएगी, अगर आगे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तो कभी हिट होगा ही नहीं, दे विल नेवर मीट अप, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन। अब मुझे एक चीज बताइए, जस्ट बिफोर कोलिजन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, तो आपको दो मूविंग ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये आपके लिए वही सिस्टम है, ठीक है। दो मूविंग ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, इसका मतलब m1 u1 प्लस m2 u2। बेटा एक चीज ध्यान रखना, सिंस मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मैटर करती है। क्या बोला मैं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, हेंस डायरेक्शन मैटर करती है। मान लो एक बॉल इधर जा रही, दूसरी बॉल इधर आ रही होती तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम क्या लिखते हैं, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो प्लस m1 u1, और ये हो जाता ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस m2 u2। लेकिन सिंस दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ठीक है हम ऐसे लिख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या दिखोगे, थोड़ी देर बाद, हाँ जी बेटा सर, जो आपने मोमेंटम के बारे में बताया उसे बताओ। मोमेंटम के बारे में बताया कुछ नहीं बेटा, एक ऑब्जेक्ट जब भी मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से, इसका मतलब वो मोमेंटम कैरी कर रहा है, ठीक है ना, मोमेंटम कैरी कर रहा है, बस यही है। मोमेंटम का मतलब क्या, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। नहीं सर, आपको मोमेंटम और डिस्टेंस के बारे में बताए थे। डिस्टेंस और मोमेंटम, नहीं बेटा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला अभी तक, डिस्टेंस में ही जा रहा हूँ कि कवर करने वाला है, ये आगे चल रही है, ये इसको पीछे चेस कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये कोलाइड करेंगे, देखना पहुंच गई, ये ले ट्रैवल करके आए, ये अभी भी वी वन में ही है, यू वन स्पीड पे है, ये यू टू स्पीड पे है, लेकिन होने का वाला है, यहाँ होगा कोलिजन, कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद क्या होगा, कोलिजन होने के बाद हमारे को एक अलग स्टेट दिखने वाली है, येरी बॉल वन, येरी बॉल टू, एम वन एम टू, नाउ एम वन विल मूव विद द स्पीड ऑफ वी वन एंड एम टू विल बी मूविंग इन द स्पीड ऑफ वी टू, तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या दिखेगा दोस्तों, आफ्टर कोलिजन पी फाइनल क्या होगा, एम वन वी वन है ना, अभी भी यही हो रहा है, जो कोलिजन हुआ उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व थोड़ा है, इंटरनली अपना आपको धक्का मार रहे हैं, धक्का मारेंगे तो एक अपनी स्पीड दूसरे को दे देगा, इन शॉर्ट होगा क्या, मोमेंटम शिफ्ट कर देगा, मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। तो बॉल एम वन वी वन स्पीड से चल रही है, बॉल एम टू वी टू स्पीड से चल रही है, तो दिस इज प्राइमरली नोन एज मोमेंटम कंजर्वेशन। जी बोलिए, is there a chance that the m1 ball might go in the opposite direction, which will move in positive direction, just a m, so after the collision, haan ji boliye, sir, after the collision can the m1 ball go in the opposite direction? It might happen, yes, but the answer will give it back to you. It might happen, yes, it can happen. So if the answer comes in negative, then... See, after calculation, if your V comes negative, that implies the object is moving in opposite direction. Okay. Now, law of conservation of momentum, kya batata hai beta? I'll explain it to you. According to law of conservation of momentum, P initial will be equal to P final, which implies M1 U1 plus M2 U2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. बस इस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जहां पे कंजर्वेशन, जहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, वहां वहां आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। Got it? अब इसी के ऊपर भेज दो बेटा,
वो नाइन्थ स्टैंडर्ड में बड़े मुश्किल लगते थे क्वेश्चन कि एक गन से हम लोगों ने फायर किया, बुलेट की स्पीड दी हुई है, गन का रिकॉइल स्पीड निकालना है, बड़ा डिफिकल्ट लगता था। चलाओ करते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, मान लो मैं सीधा डेटा दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का वो लैंग्वेज नहीं फॉर्म अप कर रहा हूँ, मैं सीधा डेटा देता हूँ। मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है 50 ग्राम, स्पीड ऑफ बुलेट दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड, और लिख लेते हैं मास ऑफ गन दी हुई है लेट्स से 2 kg, फाइंड स्पीड ऑफ द गन इफ इनिशियली द इंटायर सिस्टम वॉज एट रेस्ट। ठीक है, सब कुछ रेस्ट में था। अगर सब कुछ रेस्ट में था इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ बोथ थिंग्स वाज जीरो। ठीक है, क्योंकि गिवन है एट रेस्ट। यस बेटा, 5 मीटर। हाँ बेटा बेटा, करते हैं अभी हम, अभी तेरा आंसर भी मिल जाएगा, देखो माइनस क्यों ले रहे हैं हम। अब मेरी बात समझो, अब क्या होगा, ये री गन क्या बात है, गन बनी भाई मस्त। ठीक है, बुलेट बुलेट आएगी आगे विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता है इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो। इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ये होगा कि गन जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगी, करेक्ट है। अब मैंने क्या सिखाया था, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। देखो मास ऑफ बुलेट आप नहीं भी कंसिडर करो, मान लो आपको आपको पता नहीं रिकॉल, क्या पता आगे होता हो। ठीक है, कॉमन सेंस लगा रहे, मुझे क्या पता, डोंट वरी, नहीं पता ना, जानने दो, तुम्हें नहीं पता कहां जा रही है, तुम्हें लगा गन भी आगे जाएगी, तुम्हें लगा। ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने कहा सॉरी MBVB प्लस MGVG, तुमने कहा कि ठीक है, मेरे को तो ये समझ आ रहा है, मैंने कहा ठीक है वैल्यू डाल, आपने डाला मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम, 50 ग्राम मतलब 50/1000 × 200 प्लस मास ऑफ गन 2 kg है, वीजी पता नहीं, मैंने कहा ठीक है सॉल्व करना है ना, 0000000 कैंसिल, 10 + 2 vg आ गया, ये फाइनल मोमेंटम है। बेटा क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है सिस्टम में, नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पी फाइनल शुड बी इक्वल टू पी इनिशियल, मतलब 0 = 10 + 2 vg, तो वीजी का आंसर कितना आया, -5 meter per second। ये माइनस खुद ब खुद डिपिक्ट कर रहा है कि आपने जो डायरेक्शन ली है वो गलत ली है, एक्चुअल में जो गन है वो इस तरफ नहीं इस तरफ मूव कर रही है। समझ आया, तो आप अगर गलती से सेम डायरेक्शन ले भी लोगे, डोंट वरी, फॉर्मूला विल हेल्प यू, इट विल गिव यू अ पर्टिकुलर एंड अ परफेक्ट आंसर एक्चुअली। हाँ जी, सबको समझ आया पक्का, ये क्वेश्चन हम लोग करते थे, हमें बड़े कंफ्यूजिंग लगते थे, कुछ नहीं करना, याद रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, खत्म। कैन यू जस्ट स्क्रॉल अप टू वेयर यू हैड रिटन द सेकंड लॉ स्टेटमेंट, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं अभी तक, मैं मोमेंटम ही समझा रहा हूँ बेटा, आई हैवंट रिटन इट सो फार। हाँ जी बेटा, समझ आया सबको, मोमेंटम समझ में आया क्या होता है ना। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पर्टिकुलर स्पीड रख रहा है तो मतलब मोमेंटम रख रहा है, ये बात समझ में आ रही है।
फोर्स क्या होता है? देखो मैं समझाता हूं, सर चैट बॉक्स से कीजिए ना। ओके सर, पीएफ पे जीरो क्यों डाला? मैंने पीएफ पे जीरो क्यों, मैं यार भाई उल्टा लिख दिया, गलती से ले भाई। अच्छा सर ठीक है। हां, सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नियर टू डॉक इन स्पेस, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज सेट इन सच अ वे दैट इट कैन मैच द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू, okay, on which object one is to be docked, okay? So with the velocity will be taken as common or will it be different from for than the object two? See, yahan par seedhi si baat hai, object ki apni speed consider ki jayegi, common kuch nahi hota, common kuch nahi hota. Ha, ek bar wo jab jud jayega uske sath docked ho jayega space mein, aap international space center mein koi cheez ko fly kar rahe hain koi particular speed pe hai, अगर वो जाके साथ में जुड़ गया तो कॉमन वेलोसिटी आ गई। स्पेस में जब डॉक करते हैं तो सर एक जो ऑब्जेक्ट रहता है उसकी स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड से मैच कराने के लिए सेम वेलोसिटी करते हैं, तो सर क्यों करते हैं? नहीं मैं बता दूं तुम्हें क्यों करते हैं, खुद सोच। ताकि क्यों करेंगे स्पीड, ताकि डॉक कर रहे हैं बेटा, पता को पता ये क्या कर सकता है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को, ये छोड़ ये क्या कर सकती है, ये पेंसिल फाड़ देगी पूरे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को, ठीक है 10 पेंसिल, ठीक है ये क्या कर रहा है, अगर हम लोग बहुत ज्यादा स्पीड से फेंक देंगे ना तो वो जाके उसको हिट करेगा उतनी स्पीड से, उसको क्लोज करने की कोशिश करेगा, उसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, देख ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे प्यार से हिट करूंगा तब भी फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मटीरियल से बना हुआ है वो, सॉलिड मटीरियल से, मोमेंटम उतना होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक नासा की फोटो आई थी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में, एक छोटा सा स्टोन मीटियोर का किसी वो हिट किया था नासा को, और उसे ऐसा इमेज बनाई थी कि किसी ने बहुत जोर से स्नाइपर की से गन चलाई है, वो हुआ उसके अंदर, ठीक है वो पूरा ऐसे चिड़चिड़े उड़ गया उसके, इतना बड़ा होल हुआ है। तो क्या हुआ बाप, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, मोमेंटम ज्यादा होगा तो फोर्स लगाएगा वो और फाड़ सकता है ऑब्जेक्ट को। तो हम लोग जो अगर कुछ भी डॉक करना चाहते हैं स्पेस सेंटर पे, तो हमें उसकी स्पीड को जब मैचअप क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बराबर स्पीड में होंगे तो दोनों रिलेटिवली सेम स्पीड में चल रहे हैं, विच इज एट्रेस्ट, ये बहुत तेजी से आएगा तो हिट करेगा तो तोड़ देगा, या डॉक करना वो बाइक टूट जाएगी, तो वो क्या करते हैं इसकी स्पीड को स्लो करते हैं, कब तक, जब तक दोनों की स्पीड बराबर ना जाए, दोनों की स्पीड बराबर होगी तो स्पेस में दोनों रेस्ट में है, उसका इसको पकड़ो और खींच लो, हो गया, ठीक है। थैंक यू सर। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, पढ़े लिखो की भाषा में अब हम बड़े हो गए हैं, तो डीपी बाय डीटी, जहां डेल्टा लग सकता था वहां पे हम डी भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम चाहे तो दोनों के हिसाब से फोर्स की इक्वेशन को डिफाइन भी कर सकते हैं। अब देखो एक मास एम फाइनल वेलोसिटी वी पे चल रहा है, इनिशियल उसकी स्पीड यू है, उसने टाइम टी लिया, तो हम एम कॉमन निकाले तो क्या मिल जाएगा, वी माइनस यू बाय टी, वॉट इज वी माइनस यू बाय टी, एक्सेलरेशन, फोर्स का रिलेशन मिल गया दोस्तों, एम ए, लो पढ़े लिखो वाली डेरिवेशन करनी है वो भी हो जाएगी, डीडीटी ऑफ एम वी, ठीक है। अब अगर यहां पर देखा जाए तो हम इसका से लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, करेक्ट है कि नहीं, यूवी रूल लगा रहा हूं, यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू। अब मास तो कॉन्स्टेंट रहता है, मास तो चेंज नहीं होता, अगर मास चेंज नहीं होता, अच्छा ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं होता, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आफ्टर लाइक couple of months, जहां पे ये relation use कर सकते हैं, but अभी के लिए since mass is constant, so m into dv by dt plus zero is equal to force, the force is equal to ma, तो
मतलब पढ़ा लिखो वाला जवाब दो या एकदम बेसिक जवाब दो, दोनों का आंसर सेम है. फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए. एक ऑब्जेक्ट जब एक्सेलरेट करना शुरू करता है इसका मतलब है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है. ये चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि रेस्ट से ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं कि रेस्ट से ही होना चाहिए. हम लोग, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, समझ आएगा. चेंज इन मोमेंटम इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एग्जाम्पल दे रहा हूं, दो डिफरेंट एग्जाम्पल दूंगा. मान लो एक ब्लॉक है मास एम का और ये रेस्ट में था. अब मैं आया यहां पर तो मैंने कहा रुको भैया चलाएंगे हम इसको आगे, बहुत बढ़िया. थोड़ी देर धक्का मारो और छोड़ दिया तो क्या हो गया? फाइनली मुझे क्या दिखा? मुझे ये दिखा कि यही मास एम अब एक पर्टिकुलर स्पीड वी से आगे की तरफ मूव कर रहा है. तो क्या हुआ? इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो. फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? एम वी. तो फोर्स लगाया यहाँ पे, फोर्स कितनी है? फोर्स कितनी आ जाएगी? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन जितने टाइम तक मैं धक्का मार रहा था. ये जो स्पीड गेन किया ऑब्जेक्ट ने वो क्यों की है? क्योंकि मैं धक्का मार रहा हूँ यार टाइम टी तक. ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम वी बाई टी. दोस्तों फॉर्मूला मिल गया हमें. एक केस और करा देता हूं. मान लो एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी, एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मास एम इनिशियल स्पीड यू से मूव कर रहा था. ठीक है, ऑलरेडी यू स्पीड से मूव कर रहा था. अब हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही ये चल रहा था मैं भी बीच में आ गया भागता हुआ. अब फोर्स लगाया, फोर्स लगा के जैसे ही मैंने इसको छोड़ा थोड़ी देर बाद क्या देखा? ये वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है. तो यहां पे क्या हुआ? इनिशियल मोमेंटम क्या था? एम यू. फाइनल मोमेंटम क्या था? एम वी. जो मैंने फोर्स लगाई है वो कितने टाइम तक लगाई है? टी टाइम तक. तो वही आ गया फिर से. Am I clear? चेंज इन मोमेंटम समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? जब एक्सटर्नल फोर्स आएगी विदाउट एनी कोलिजन, अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब फोर्स इन्वॉल्व है. ठीक है, कभी भी एक ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ रहा है तो इसका मतलब है फोर्स इन्वॉल्व है. हाँ जी, किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर दीजिए. सर एक पिछले वाला जो अभी आपने इक्वेशन करा है उसमें एक डाउट है. हाँ सर, सर इसमें आपने लिखा है कि m डॉट डी वी बाई डी टी प्लस वी डॉट डी एम बाई डी टी. तो सर जो फोर्स है वहां पे m डॉट डी वी बाई डी टी एम हो गया और जो वी डी एम डी टी था वो जीरो हो गया. सर वो नहीं समझा. डी एम बाई डी टी मास कॉन्स्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या होगा? डी एम बाई डी टी का आंसर क्या आएगा? मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो. हाँ हो गया. अच्छा हाँ सर. तो गाइस बराबर नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ एक्जेक्टली क्या है. फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, अब वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं. नाइन्थ स्टैंडर्ड अगेन, नाइन्थ ग्रेड का कॉन्सेप्ट है. नाइन्थ ग्रेड में हम लोग क्या पढ़ते थे? A cricketer while catching the ball has to lower his hands, right? Why do we do that? Now, why do we do that? Because ek particular speed se ball aa rahi hai. Agar main wahi rok dunga, to with no time wo impact marega. See, understand this. If I keep my palm like this only, ekdam rigidly, and I come and I punch it, now this has given me an impact. Dard hua mere ko, laga hai. Now, if I do this, मैंने उतने ही जोर से मारा था लेकिन मुझे लगा नहीं. क्यों नहीं लगा? Obviously, किसी ने मूव की ना. ठीक है, समझ रहे हो है ना? दीवार दीवार में मुक्का मारो लगा आओ. ठीक है, क्योंकि मूव नहीं की वो.
हवाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम ज्यादा लूंगा तो कंपैरेटिवली फोर्स कम लगेगी, टाइम कम लूंगा तो फोर्स सॉरी टाइम ज्यादा लूंगा तो फोर्स कंपैरेटिवली कम लगेगी, इसीलिए हम लोग बॉल को कैच करते वक्त उसकी स्पीड के साथ उसको स्लो करते हैं, तो स्लो यही से करना शुरू करते थे पर यहाँ पर अगर रोकते हैं उसमें क्या होगा मेरे हाथों पर इम्पैक्ट कम आएगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आएगी एकदम से रोक लिया, ठीक है बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है तो आप सडनली कोई भी चीज को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने इस पूरे इंटायर कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश की है। इनफैक्ट मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जरूर बताता हूँ, आप लोगों ने अगर वी हैव सीन अ लिटिल पार्ट ऑफ स्टडी विद सुपर हीरो सो फार, मेरा एक अपकमिंग एपिसोड था जो लॉकडाउन की वजह से रोक दिया था पर उसका रुक ही गया वो, ठीक है, नाउ दैट वाज हाउ डू व्हाई डू द सुपर हीरोज डू दैट, जनरली ना आप लोगों ने जितने सुपर हीरोज देखे जिनके पास सुपर पावर्स नहीं है, है ना, जैसे कि वो सिर्फ अच्छा एरो चला सकते हैं या फिर उनके सिक्स सेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कुछ सुपर हीरोज हैं, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि भाई सुपर स्ट्रॉन्ग बोन्स ऐसा कुछ नहीं है, है ना, तो वो वैसे जो सुपर हीरोज होते हैं जब वो छलांग मारते हैं, इनफैक्ट आप लोग वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन सब लोग वीडियो भी देखते हो ना, ऊंची ऊंची छलांग बिल्डिंगों से लोग छलांग मार रहे होते हैं नीचे उतरने के लिए, बिल्डिंगों से उतरते हैं, हाँ, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा when they jump and उनको बहुत ज्यादा डीप छलांग मारनी है, तो छलांग मारने के बाद what they do is they don't stand like this कि हाँ मैं खड़े हो गए बाम, अगर ऐसे हो गया तो मजा आ गया, ठीक है हड्डियां टूट जाएंगी पैर की, तो what they do is they come on ground, they touch the ground, they bend on their मतलब they make a क्या बोलेंगे squat मारेंगे एक तरीके से, ठीक है they come on that and then they roll themselves, है ना, वो नीचे आके and they roll themselves, उसमें क्या कर रहे हैं वो उतनी स्पीड को जीरो करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, तो कंपैरेटिवली उनको पे फोर्स उनके पैरों पे फोर्स कम लग रही है इसीलिए वो ये सब कर पा रहे हैं, हम जैसे लोग करेंगे सबसे पहले गिरते ही मोच लगवाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे हम अपनी बॉडी को वहीं पे कंस्ट्रेंट करेंगे रुकना मेरे को बस, अब जब रुकने की कोशिश करोगे तो दैट्स इट, मजा आएगा फ्रैक्चर होगा फिर, ठीक है ठीक है सेकेंड केस फिर से एक्सप्लेन करते हैं, नो मैडम कर रहे थे, सुनो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्पीड यू से मूव कर रहा था, ठीक है उसको स्पीड वी में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे धक्का मारना पड़ेगा बीच में, तो वो जो फोर्स लगाया है उसने क्या किया एम वी में कन्वर्ट कर दिया एन यू से, सो देयर इज अ सब्सटेंशियल चेंज इन मोमेंटम एंड दैट हैज हैपेंड इन अ पर्टिकुलर टाइम टी, दैट इज नोन एज फोर्स, ठीक है okay sir okay cool now the one of the most easiest thing in the entire physics that is known as third law of motion, ye to sabko aata hi hoga yaar, jisko ye nahi aata wo galat jagah pe aa gaya hai, third law of motion wo hai tum kisi ke muh pe thappad maro wo tumhare muh pe bhi ghuma ke marega, to every action there is an equal and opposite reaction, simple सी बात है, अगर किसी को थप्पड़ मारूंगा तो उसके गाल पे दर्द तो होगी उतने मेरे हाथ पे भी दुखेगा, ठीक है बट ये वाली स्किन थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव है गालों वाली इसीलिए वहां पर ज्यादा दर्द होती है और हाथ थोड़े सख्त होते हैं तो इनके दर्द कम पार्टली कम होती है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग तो मैं जितनी जोर से थप्पड़ मारूंगा उतनी जोर से वो मेरे को भी लगेगा, लेकिन क्योंकि वो तुम्हारी सॉफ्ट स्किन पे लगी है तो गुड तुम्हें दर्द होगा और मुझे नहीं होगा, मुझे खुशी होगी मैंने थप्पड़ मारा ओके ठीक है सर, टू रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, भाई इस सीन को इस चीज को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एक ऑब्जेक्ट सॉरी अगर एक ऑब्जेक्ट
ग्राउंड पे हम लोग प्लेस कर दें, एक ब्लॉक को हम लोग ने ग्राउंड पे प्लेस कर दिया, तो यहां पर क्या होगा बेटा, उसका खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, ग्राउंड उसी फोर्स को वापस धक्का मारेगा, एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। तो एमजी अगर नीचे लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन को क्या बुलाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पे खड़ा तो तभी रिएक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं होता जरूरी। मान लो अगर मुझे मुझे आप लोग कहते कि बहुत परेशान करता है आदमी, रस्सी से बांधो उसको, और तुमने मुझे रस्सी से बांध दी, ठीक है, ये रहा ग्राउंड, गले से नहीं बांधा, हाथ से ही बांधो, ठीक है। तो अगर ऐसे बांध दिया तो भाई लटका रहे, ठीक है, तो अगर मुझे ऐसे बांध दिया तब भी दोस्तों यही फंडा, अगर ग्राउंड का टच हुआ क्या, नहीं हुआ, लेकिन क्या मेरा वेट लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा, तो वही वेट तो नीचे रहेगा, एमजी तो लगेगा ही लगेगा। यहां पर क्योंकि रोप इन्वॉल्व है तो रोप वो रिएक्शन कैरी करेगा, एमजी में अगर नीचे की तरफ धक्का बज रहा है तो रोप उसको पकड़ने के लिए, उसको बैलेंस बनाने के लिए, सी इट्स ऑलवेज देयर, इफ अ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट दैट मींस एन ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स इज अप्लाइड इन द अदर वे, तभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह सकता है। नेट फोर्स अगर जीरो होगी तभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, हेंस स्ट्रिंग के ऊपर जब भी फोर्स लगती है उसको हम बुलाते हैं टेंशन, क्या बुलाते हैं, टेंशन। दिस टेंशन इज इक्वल टू एमजी। किसी को कोई प्रॉब्लम, एक्शन रिएक्शन समझ में आ रहा है, बाकी ज्यादा अच्छे समझ में तो बलून फुलाओ, छोड़ दो, वो जो भी कर रहा हो वो एक्शन रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो हवा नीचे फेंकेगा वो खुद आगे बढ़ेगा। सर ये एमजी का अपोजिट रिएक्शन टेंशन है ना? बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल, वो बैलेंस कर रहा है, तभी तो होगा। मुझे दर्द क्यों होने लग जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरे मेरे हाथ मेरे पूरी बॉडी का वेट उठा रहे हैं, पैरों को आदत है इसलिए बोन स्ट्रांग होते हैं, एंड रस्ते में फेमर बोन भी है, सबसे बड़ा बोन, भारी बोन बॉडी का, ठीक है, तो वो संभालता है आपके वेट को, प्राइमरली अपर बॉडी वेट को कंप्लीटली हैंडल करने के लिए आपके फेमर बोन्स है, योर थाई बोन्स, दे कंट्रोल यू, ठीक है, दे मेक बैलेंस, ये बॉडी को कैसे बैलेंस करना वो आपको सिखाता है, ठीक है। तो अगर मेरे हाथों में बांधोगे तो भाई बहुत भारी हो जाएगा, ठीक है, चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं। यही चीज अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाने जा रहा हूं, एंड दिस इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम्स, दिस इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम्स, ऑल्सो आई कॉल इट एज FBD। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है फ्री ऑफ द क्वांटिटीज विच आर नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, मैं अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम सिखा रहा हूं, आपको समझ आने लग जाएगा अभी थोड़ी देर में। ध्यान में रखना है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ को याद में रखना है, वहां से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। पहला फ्री बॉडी डायग्राम आसान एकदम चिंदी, ग्राउंड, ग्राउंड पे बॉक्स, बॉक्स ऑफ
कैरिंग एप्पल्स ऑफ मास एम, ठीक है, एंड दैट्स मी हु इज अप्लाइंग अ फोर्स एफ is applying force F in this direction. अब ये थोड़ा बनाएंगे बार बार अगली बार डायग्राम बनाना चाहिए थोड़ा बनाएंगे नहीं हमारे पास फ्री बॉय डायग्राम कैसा दिखता है समझो फ्री बॉय डायग्राम में ग्राउंड बनाओ एक ब्लॉक बनाओ ब्लॉक बनाओ ये कितना मास का है एंड आई डोंट केयर उसके अंदर एप्पल है या उसके अंदर ऑरेंजेस है ठीक है वो जानबूझ के लिखा था मैंने प्राइमरी बात क्या है उसका मास कितना है एम तो उसका वेट लगेगा नीचे एम जी नीचे लगेगा ग्राउंड से टच हो रहा तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन है और मैं एक फोर्स लगा रहा था मैं लगाऊं या आप लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इन शॉर्ट मैं और आप सिर्फ एक एरो से डिपिक्ट किए जा सकते हैं खत्म हो गए ठीक है ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम फ्री फ्रॉम दी एडिशनल थिंग्स जो हमारे काम की नहीं तो पहला फ्री बॉडी डायग्राम बन गया समझ में आया एवरीवन ओके विद दिस बहुत बढ़िया गुड गाइस गुड और नॉट पैक सीखते हैं अच्छे से सीखेंगे सर हाँ जी सर जिस फोर्स से हमने बॉक्स को धक्का दिया उसी फोर्स से हमें भी रिएक्शन मिलेगा ना मतलब बिल्कुल फ्री बॉडी का मेरा बना ले ऐसे मारते धक्का तो मेरे को भी लग रहा है सेम है अभी देख सेकंड क्वेश्चन में वो समझ आएगा सेकंड अभी ढंग से समझना लो बन गए तीन तीन ब्लॉक बन गए ब्लॉक का नाम ए बी सी ब्लॉक ए का मास एम ए ब्लॉक बी का मास एम बी और ब्लॉक सी का मास एम सी और इधर आ गए भैया हम और हम लगा रहे हैं इधर फोर्स एफ अब यहां पर बेटा बहुत ही आराम से अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें देख रही देखो अगर मैं ब्लॉक ए को धक्का मार रहा हूं तो बी और सी भी धक्का बज रहे हैं और तीनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से आगे मूव करेंगे करेक्ट है ना सही बात है अगर मैं ये अपने हेडफोन रख लूं केस रख देता हूं पेंसिल रख देता हूं और मैं केस के ऊपर धक्का मार रहा हूं तो केस और पेंसिल की एक्सेलरेशन सेम है ना क्योंकि मैं एक को धक्का मार रहा हूं लेकिन मैंने पेंसिल को डायरेक्टली धक्का नहीं मारा अब समझिएगा इसमें क्या करेंगे सिंपल सी बात है हम लोग तीनों अलग अलग बॉक्स बना देंगे सबसे बड़ा वाला ब्लॉक जिसका मास MC है उसका वेट नीचे की तरफ अप्लाई होगा और इसी का नॉर्मल रिएक्शन हमारे को ग्राउंड से ऊपर मिलने वाला है वो कितना आएगा N C लिख देता अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था MC लिख दिया मैंने अब मुझे तो बताओ C को डायरेक्ट फोर्स कौन मार रहा था B आदमी नहीं मार रहा था B मार रहा था है ना तो यहां पर हम लोग कर देंगे सीधा भैया एरो बनाएंगे और कहेंगे दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या बोला मैम फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी एफ सी बी क्या है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी अब और कौन से ब्लॉक दिख रहे हैं बी ब्लॉक दिख रहा है
ये आ गया बी ब्लॉक, इसका मास एम बी है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। अब यहां पर ढंग से सुनना, बी ब्लॉक का धक्का कौन मार रहा था? ए ब्लॉक, करेक्ट। तो यहां पर एक तो आ जाएगी फोर्स इधर, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, प्लस एक एक्शन का रिएक्शन मिलेगा मुझे यहां, है ना बेटा? अगर बी ने सी को धक्का मारा तो बी ने तो सी से धक्का एक्सपीरियंस करेगा, एंड दिस विल बी फोर्स ऑन सी, सॉरी ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू सी। सही है, एक आखिरी रह गया, मैं वो मिला देता हूं। सर वो एफ बी सी वाला समझ में नहीं आया बेटा, बी ने सी की तरफ धक्का मारा तो सी भी तो बी को रिएक्शन देगा। हाँ सर, तो एवरी एक्शन देस एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, एक्शन अगर इधर है तो रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, वही बताया मैंने, तो बी ब्लॉक रिएक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, समझ आया? हाँ सर, ठीक है। ऐसे सिमिलरली ये एम ए बना लो, उसका खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, एम ए जी नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, एन ए आप इधर एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, और क्या हो रहा है? ए ने बी को धक्का मारा था तो बी का रिएक्शन ही तो आएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा रिएक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन के नहीं? एवरीवन ओके सर? सेकंड, हाँ जी बेटा, ये रहा पूरा सेकंड, लिख लो सर। बोल सर, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल और नेगेटिव हो गए ना सर, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर? यस यस, ठीक है सर। ठीक है जी, दूसरा भी समझ आ गया, फ्री बॉल डायग्राम मैं अलग अलग सिखा देता हूँ, फिर इसको आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और डिटेल में सीखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो पहले फ्री बॉल डायग्राम बनाना सीखते हैं हम, ठीक है? चलो करते हैं फिर एक और चीज, थॉट दिखाते हैं आपको। लो एक और करते हैं। तो ये मान लीजिए एक ब्लॉक ये रहा, ये एक स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक ये रहा, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इधर से मैं मान लो एक ऑब्जेक्ट को इधर से खींच रहा हूं फोर्स एफ के साथ, ठीक है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी सबका मास एम ए एम बी एम सी है। देखो बेटा एक चीज सिखा रहा हूं यहां पर, जब बीच में स्ट्रिंग मान देते हैं तो स्ट्रिंग ही एक्शन और रिएक्शन दोनों कैरी करता है। क्या बोला मैं? स्ट्रिंग ही एक्शन और रिएक्शन दोनों कैरी करता है, ठीक है? तब अगर यहाँ पे मैं फ्री बॉय डायग्राम बनाऊ, एक और चीज याद रखेंगे, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम है, स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या दो पॉइंट बोल रहा हूं, एक है स्ट्रिंग टेक्स बोथ एक्शन एंड रिएक्शन ऑन इट,
सेकेंड सेम स्ट्रिंग हैज सेम टेंशन. अब यहां पर देखो बेटा एक एक करके बनाने लग जाते हैं. यहां पर आते पहले ब्लॉक, मान लो ब्लॉक सी है तो क्या होगा, उसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, उसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, और मान लो इधर लगेगा टेंशन टी टू, इधर टी वन भी लिख सकते हो ना, टी टू लिख दिया पहले मर्जी, या टी वन भी लिख सकते हो, टी टू लगा इधर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ खींचा जाए तो सारे ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएंगे. तो सी ब्लॉक को इधर खींचने के लिए कौन काम कर रहा है, स्ट्रिंग काम कर रही है, स्ट्रिंग के ऊपर लग रहा है टेंशन टी टू. वही अगर हम लोग बना लें ब्लॉक बी, ब्लॉक बी के ऊपर वेट लग रहा है नीचे की तरफ एमबीजी, इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है एनबी, ठीक है. अब मेरी बात सुनो, ढंग से सुनना, बी ब्लॉक को भी इधर खींचा जा रहा है तो उसको खींचती है दूसरी स्ट्रिंग, यहां टेंशन लगेगा टी वन, लेकिन सिंस सी ब्लॉक को टेंशन इस तरह मिली तो उसको रिएक्शन नहीं मिलना चाहिए टी टू. प्लीज इसको देख लो क्या कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो मैं इसको यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा. मैं काम करता हूं, मैं ए भी बना देता हूं फिर मैं ऊपर वाले डायग्राम से समझाता हूं, बाई चांस नहीं समझ आया डोंट वरी मैं बताऊंगा भी. ये रहा ब्लॉक ए, इसका वेट लग रहा है नीचे एम ए जी, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा ऊपर एन ए, फोर्स लग रही है इधर एफ, और टेंशन लग रही है इधर टी वन. जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है इतना समझ लो, सी ब्लॉक को भी इधर खींचना है तो इधर कौन खींचेगा, टेंशन टी टू, टेंशन टी टू. अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन भी इधर ही होगा स्ट्रिंग में, तो टी टू इधर भी लगेगा. एंड ये टी टू देखो मैंने यहां पर ड्रॉ किया. सिमिलरली ब्लॉक बी भी इधर खींचना चाहिए था, अब उसका रिएक्शन भी तो यही ले रहा है और ये रिएक्शन टी वन ना रहा. समझ में आया बात, डायग्राम देख के पूरा समझ आ जाएगा बेटा. सर टेंशन और फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ना, मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, दोनों का ऐसा यूनिट न्यूटन, दोनों का ऐसा यूनिट न्यूटन ही है. सर एन एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, जो एन है वो, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन बेटा, वेट लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन. मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हारी कुर्सी पे बैठ गया, मेरा पूरा वेट लग रहा है तो कुर्सी पे वेट लग रहा है तो कुर्सी मेरे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे रही है ऊपर की तरफ. सिंस गिवन वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है इसीलिए हम लोग इक्विलिब्रियम बैठे हैं, दैट इंक्लूड्स मी इंक्लूड्स यू, ठीक है. कूल एवरीवन, ओके. एक और करते हैं, करते हैं थोड़ा सा. यस सर, वो टी टू वाला समझ में नहीं आ रहा बेटा. टेंशन लगी है टी टू जो कि इस ब्लॉक सी को इस तरफ खींचने में हेल्प करेगा, करेक्ट है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल. तो अगर एक्शन लग गया तो रिएक्शन भी तो आएगा सेम स्ट्रिंग पे, और वो रिएक्शन कौन एक्सपीरियंस करेगा, जो दूसरा एंड है, तो बी एक्सपीरियंस करेगा टेंशन रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन ऑपोजिट. सेम गोज दी नेक्स्ट में, ए ब्लॉक पे भी यही है, टेंशन टी वन इस ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा है, वही टेंशन का रिएक्शन को ले रहा है ब्लॉक ए का अदर एंड. ये देख, अब समझ में आया? हाँ सर. गुड सर, जो बी पे टी टू लगा है वो सी का रिएक्शन है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सी को जो टेंशन क्रिएट कर रहा है, जो सी टेंशन एक्सपीरियंस कर रहा है, जो फोर्स उसको ड्राइव कर रहा है वो उसका रिएक्शन है.
ठीक है, मूविंग अहेड। सर जी बोलो। सर ये बी ब्लॉक जो है वो एफ के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो टी वन बड़ा होगा ना टी टू से? टी वन बड़ा होगा, बिल्कुल एकदम सही बात बोला है। ठीक है, क्योंकि जब तो टी वन लगाएगा तो ब्लॉक बी को अकेले को नहीं खींच रहा है, तो ब्लॉक सी को भी खींच रहा है इंडायरेक्टली। ठीक है, ओके मूविंग अहेड। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल के साथ, ठीक है, एक ब्लॉक को हम यहां प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ये मास एम है, सॉरी ये एम है, ठीक है, और एक आदमी इधर खड़ा हो गया और वो इस ब्लॉक को धक्का मार रहे हैं फोर्स एफ के साथ। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा ये देखो, बना रहा हूं। यह थीटा, अब यहां पर देखना अच्छे से बेटा, इसका वेट किधर लगेगा? नीचे mg, ठीक है, mg नीचे किधर लग रहा है। अब अगर आप इसको रिजॉल्व करें ये क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो दो तरह के कंपोनेंट बन जाएंगे, है ना, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये क्या बन जाएगा mg cos थीटा, ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विच इज नॉर्मल टू द प्लेन। अभी राइट नाउ ब्लॉक कैसे प्लेस है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक प्लेस है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन का होगा ये बना नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स किधर लगाएंगे हम, गिवन फोर्स किस तरफ है, इस तरफ, हाँ जी, समझ में आया कुछ? ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन के फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनते हैं। सर जी बोलिए। सर इस केस में जो है वो n सिर्फ मतलब m पूरे mg को बैलेंस नहीं करेगा या सिर्फ mg cos थीटा को ही बैलेंस करेगा? एकदम यस यस यस, तो जो मुझे फोर्स लगा रहा हूं मैं, फोर्स जो है ना वो mg sin थीटा को काउंटर करते हुए मार रहा हूं, तभी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, समझ गए? सर n की वैल्यू mg होगी या mg cos थीटा? n की वैल्यू mg cos थीटा होगी, n की वैल्यू mg cos थीटा होगी, बैलेंस कर रहा उसको। Cool. एक एग्जांपल और करते हैं। सर डायग्राम देखना है एक बार वो वाला। हाँ, देखो देखो। Yes, please. ठीक है, मूविंग अहेड, आगे बढ़े, एक और करते हैं, एक नहीं दो तीन करेंगे अभी और, मस्त एक, ठीक है, एक दो तीन, तीन और करेंगे बस टोटल फाइनल, ठीक है, चलो तो एक कर रहे हैं ये,
ई ग्राउंड है ये कॉन्टेक्ट में आ गए, ये बॉल ए है ये बॉल बी है, ठीक है बॉल ए एंड बॉल बी मैंने आपके सामने बना दी। अब इस बॉल का नाम देते हैं बॉल पी, इस बॉल का नाम है बॉल क्यू। अब जरा ढंग से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे केस में किस तरीके के मतलब क्या एग्जैक्टली हम लोग थ्री पॉइंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बड़ी बॉल है बॉल ए, बॉल ए का वेट नीचे लगेगा, सिंस वो ग्राउंड के साथ टच कर रही है तो वो नॉर्मल रिएक्शन भी ग्राउंड से फील करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, दैट्स नॉर्मल रिएक्शन ए सॉरी एन। अब यहां पर जरा ढंग से समझना, इस बॉल को सपोर्ट एक और जगह से मिल रहा है वो है वॉल पी से, तो हेंस इसको एक फोर्स यहां से मिली। फोर्स ऑन ए ड्यू टू पी, आई ऑलवेज कंसिडर दिस, मैं बोलता हूँ कि फुटबॉल को अगर ऐसे फिट करेंगे तो वो किस किस जगह से थोड़ी डेंट होगी, वेट की वजह से बेस में डेंट होगी, कॉर्नर की वजह से साइड कॉर्नर से डेंट होगी। सिमिलरली अगर मैं बी बॉल बनाऊंगा बी बॉल का वेट नीचे लग रहा है करेक्ट, क्या मुझे नॉर्मल रिएक्शन बनाना चाहिए? नहीं सर, सरफेस पे टच नहीं है। करेक्ट, सरफेस पे टच नहीं हो रहा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगा, हेंस मुझे डेंट कहां कहां से पड़ रहा है, एक डेंट पड़ा है यहां से, फोर्स ऑन बी ड्यू टू क्यू, ठीक है प्लस एक और डेंट पड़ रहा है बॉल ए बॉल बी पे धक्का मार रही है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब सिंस सारे फोर्सेस दिख रहे हैं लेकिन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का रिएक्शन नहीं लिखा मैंने, तो इधर हम रिएक्शन भी एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। समझ आया कि नहीं, समझ आया एवरीवन? ठीक है गुड, ये कुछ इस तरीके के डायग्राम बनने वाले हैं। सर यस सर, ये एक डाउट पूछना था सर, ये बॉल ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये ऐसा है कि फिर ये सारे फोर्सेस का सम मतलब जीरो होगा क्या? जीरो होगा बिल्कुल एकदम। ओके मूविंग अहेड सर, बट बॉल बी तो मूव कर रही है, बॉल बी कहां मूव कर रही बेटा, रुकी हुई है। हां अगर वो साइड से थोड़ा सा सपोर्ट निकला तो वो नीचे गिर जाएगी, अभी तो रुकी हुई है ना, तो इसका मतलब नेट फोर्स तो जीरो ही है। सर एक डाउट था, बोलो बोलो। सर ये जो आपने ऊपर में डायग्राम्स बनाए हैं सारे, उसमें आप एफ ए बी लिखा है सर, वैसे आप लोग आपने बोला था कि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो हम लोग को ऐसे सर एफ बी ए नहीं लिखना होगा, मतलब हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं अगर ऐसे फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। हाँ बेटा हमने बस ये लिखना कि किस पे लग रहा है, किसकी वजह से लिख रहा है, मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, तो बी बॉल पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा बच्चा? नॉर्मल रिएक्शन लगने के लिए ग्राउंड से टच होना जरूरी है, उसको नीचे से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा तो वो रिएक्शन कैसे देगा? थैंक यू। ओके ओके नेक्स्ट एक और करते हैं दोस्तों, कम से कम एक और प्लीज। ठीक है अब यहां पर क्या आएगा, एक पुली बना दिया और पुली से दो वेट बना रहे हैं, एक ऐसा मास है
कैसा मास कैपिटल एम, ठीक है, स्मॉल एम और कैपिटल एम बना दिया। अब मेरी बात सुनो, किया क्या है, दो मासेस को टाई किया और पुली के ऊपर लटका दिया, स्ट्रिंग सेम है ना, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी हमेशा, ठीक है। तो दोनों ही ब्लॉक पे जो टेंशन बनेगी वो बनेगी ऊपर की तरफ, मतलब अगर मैं ब्लॉक कैपिटल एम बनाऊं तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, टेंशन टी, उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। वहीं दूसरा ब्लॉक बनाऊं स्मॉल एम, तो उसके ऊपर भी टेंशन टी लग रही है ऊपर की तरफ, वेट लग रहा है नीचे की तरफ, सही है बच्चा। मैं अगर यही डायग्राम मतलब यही चीजें मैं अगर मेन डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर दूं, सी जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के, आप यही पे कर सकते हैं कि भाई इसका वेट नीचे लग रहा है एमजी, इसका वेट नीचे लग रहा है एमजी, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। और देखो ये एक तरीके से एक्शन रिएक्शन ही है, अगर मैं दोनों वेट्स को उठा के पुली के सामने रख दूं तो टेंशन का लग रही है, ऐसे लग रही है, एक इधर और एक इधर, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन मिल गया, सही है। सर सर एक डाउट है, में क्या आएगा, एक स्ट्रिंग इधर है, एक स्ट्रिंग इधर है और एक स्ट्रिंग सेंटर से ऊपर की तरफ जो दीवार पे लग रही है, तो अगर यहाँ पे टेंशन बनाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि ये टेंशन है तो इधर भी टेंशन टी लगनी चाहिए, इधर भी टेंशन टी लगनी चाहिए, ठीक है। पुली के हिसाब से देखो, देखो जब तुम ब्लॉक पे बैठे तुम्हें लग रहा है तो टेंशन ऊपर लग रही है, मेरा भी नीचे लग रहा है, लेकिन अगर तुम मान लो पुली पे बैठ गए, पुली क्या कहेगी, कहेगा भाई दोनों हाथ मेरे नीचे खींच रही तुमने, ले भाई। तो मैं कितनी एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगाऊ, टी प्लस टी, तो मेरी गर्दन कितना हैंडल कर रही है, टू टी, सही है ना। अगर मैंने दोनों बाजू में टी और टी टेंशन दे दी तो मेरी गर्दन टू टी हैंडल कर रही है दोस्तों, ठीक है। वैसे ये टूटी वाला वापस बताओ ना प्लीज, क्या क्या वापस बताओ प्लीज, ये टूटी वाला टेंशन टी नीचे लग रही है, टेंशन टी नीचे लग रही है, तुझे कितना लोड लगाना पड़ेगा टूटी तभी तो बैलेंस कर पाएगा। अच्छा हाँ हाँ, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए ना, इसका भी एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, तो भाई मैंने तो टेंशन टी और टेंशन टी लगाई हुई है ना, अब अपने आप को मैं ऐसे इंटैक्ट रखना चाहता हूँ तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है ऊपर की तरफ, टू टी, क्योंकि टी प्लस टी टू टी, ठीक है। बाकी के इसकी एप्लीकेशन इसमें नंबर्स यू आर गोना सी इन द कमिंग लेक्चर।